अभी म्यूजिक है तारिक भाई खाने के बाद मैं नहीं गाऊंगा मैं नहीं तारिक भाई यू हैवंट मिस्ड द म्यूजिक अच्छा ठीक है शायरी तो मैं कुछ शोरा को मेरे ख्याल ब्रैडफोर्ड में मैंने सुना उस दिन हम मिलते हैं बैठते हैं दूसरे की बातें सुनते हैं दूसरे की गाने सुनते हैं दूसरे की शायरी सुनते हैं तकरीरें सुनते हैं कुछ लंबी कुछ सीरियस तकरीरें कुछ वज़ाया तकरीरें और दैट इज़ आवर लाइफ इज़ फॉर अस हम जो पाकिस्तान में एक हमारे मुख्तलिफ इलाकों में बैठक का या जिसको बाज लोग उजरा कहते हैं बाज लोग क्या तो वो हमारा जो निज़ाम है उसकी यादें हमें इस तरह ही पूरी कर सकते हैं क्योंकि इस शहर में और इस मुल्क में हम वो चीज़ें उस तरह नहीं लेकिन कोशिश हम करते हैं कि हम इकट्ठे हों और एक दूसरे की बातें सुने और हमारा जो मीडिया है माशाल्लाह ये जितना वाइब्रेंट है बिन अराउंड मैं दुनिया के काफ़ी शहरों में सर्व किया कम्युनिटी अफेयर्स को मैंने काफ़ी हैंडल किया लेकिन जिस तरह का मीडिया यहाँ पे हमारा है वो ऐसा लगता नहीं कि वो आपसे जुदा है दे आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी विच इज़ अमेजिंग आई मीन मैं तो जो एक कंपार्टमेंटलाइजेशन है हमारी डिफरेंट जगहों पर वो यहाँ पे आपको नहीं मिलती मीडिया आपके साथ ऐसे होता है जैसे हमारे साथ ही हों हमसे जो गाना है हमारे माशाल्लाह जो परफॉर्मर्स हैं हमारे आर्टिस्ट हैं जिनको मैं हमेशा सोचता हूँ कि जितनी उनकी कदर होनी चाहिए उतनी yes, कदर उनकी नहीं होती मैं जहाँ भी अभी जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ पर भी तो मैं ये कह रहा था कि दिस इज़ समथिंग जो हमारी सोसाइटी में हमारे लोगों के बीच उनको मौका देना चाहिए हमें हम खुद सारे आर्टिस्ट हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा गाना गाऊं लेकिन हर किसी को वो तौफीक नहीं मिलती हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा शेर बोलूं लेकिन हर किसी को वो तौफीक नहीं मिलती जिनको मिली हुई है हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें उनको परसों एक फंक्शन था डॉक्टर साहब भी थे भाभी भी थी तो वहाँ पर जब आखिर में जाके वो एक हमारे परफॉर्मर है वो सारे लोग गाना शुरू हुए तो वो मुझे थोड़ा सा बड़ा अजीब लगा कि जब वो जितनी तैयारी करके ही वॉज देयर और हमने उसको फिर हम सब ने मिल के दोबारा हम गए तो दिस इज माशाल्लाह मैडम रज़िया आपको हम सलूट पेश करते हैं आपको हम कुडोस टू यू माशाल्लाह और वी शुड गिव हर अ बिग हैंड ऑफ अप्लॉज बाकी इसी तरह हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मेहमानों को इसी तरह आप वहाँ पे इस्तेमाल करते रहिए